रहे हैं एग्जाम टूर। आपको मालूम होगा कि अभी भी जांच चल रहा है, यानी बीपीएससी टीआरई का जो पेपर लीक हुआ उसमें जांच चल रहा है और मुख्य आरोपी यानी 5 आरोपी पकड़े गए हैं और उनको रिमांड पर लिया गया है आर्थिक अपराध टीम के द्वारा। अब क्या हो सकता है, बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी चल रहे हैं। एक पेपर आप लोग वायरल देखिएगा, एक न्यूज चल रहा था अतुल सर के बारे में कि उनका क्या होगा, 3 करोड़ 4 करोड़, उस पर क्या होगा, कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक उसका, कोई जो विद्यार्थी आरोप लगाए थे उसका भी बातचीत नहीं, बहुत सारा। अब देखिए उस पर बाद में आएंगे, पहले ये देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, सो समझिएगा क्या है कैसे है, अभी जांच कहां तक। बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि जांच कहां तक, जांच रुका नहीं है, जांच चल रहा है। ईओयू की कार्रवाई, मेडिकल पास कराने के नाम पर भी करते थे ठगी। बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक कांड में उज्जैन से महिला समेत 5 गिरफ्तार, यानी महिला भी आजकल पीछे नहीं है, इस बात समझ लीजिए। आप देखते होइएगा जब टिकट कटाना रहता है बस में तो महिला को आगे किया जाता है, लेकिन यहां देखिए प्रश्न पत्र आउट कराने में महिला पीछे नहीं है, यहां आगे है। यहां 5 गिरफ्तार हो रहे हैं उसमें भी महिला, आप 300 विद्यार्थी देखिएगा उसमें भी 80-85 को महिला पहुंच गई थी, महिला आप पीछे नहीं है। आप ये कभी ना सोचिए कि ये महिला है, नहीं, वो भी चोरी डकैती में आगे है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सभी महिला को नहीं कह रहा हूं, सभी पुरुष को नहीं, लेकिन ये जो करते हैं उनके बारे में। अब यहां पे सोचिएगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक और मेडिकल में पीजीटी पास कराने की गारंटी देकर ठगी करने वाले गिरोह के 5 लोगों को ईओयू और पटना की पुलिस ने उज्जैन पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। शनिवार को कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड लेकर टीम आरोपियों को लेकर पटना रवाना हुई। अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है फ्री में, यूट्यूब चैनल पर क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। 18 मार्च को बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती पेपर लीक हुआ था। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू थाने में 16 मार्च को मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद ईओयू और पटना पुलिस ने आरोपी को लोकेशन पहले भोपाल मिली थी, इसी आधार पर ईओयू और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, मध्य प्रदेश भी पहुंची थी टीम को। भोपाल के बाद आरोपियों को लोकेशन उज्जैन मिला, उसके बाद उज्जैन भी पुलिस संपर्क की और उज्जैन पुलिस से संपर्क करके एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश में 5 आरोपियों को धर पकड़ा गया। यानी कि देखिएगा, हरी फाटक ब्रिज के पास ये लोग थे, वहां से इन लोगों को पकड़ा गया। बहुत सारा सूचना है बीपीएससी टीआरई को लेकर। आप लोग ये सोचते हैं कि समय से एग्जाम हो जाए, और मेरा मानना है समय से एग्जाम हो लेकिन साफ सुथरा एग्जाम हो, समय से एग्जाम हो लेकिन बीपीएससी ये अस्वस्थ करे कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, बीपीएससी आयोग ये अस्वस्थ करे कि इस बार कुछ हिलेगा नहीं पत्ता भी, तब एग्जाम हो तो अच्छा होगा। ये प्रशासन अस्वस्थ करें कि अब इस बार कुछ नहीं होगा। हालांकि प्रशासन हर बार अस्वस्थ करती है, बीपीएससी आयोग भी हर बार करती है, लेकिन ये इतना बड़ा कांड हो गया, उनसे 12-15 जो प्रश्न पूछे गए थे उसका क्या हुआ अभी तक कुछ मालूम ही नहीं चला, ये सभी विद्यार्थी को जानना चाहिए। अब देखिए ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। यहां पर आइए, शिकंजा में यूएन दबोचा ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले जाए जा रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक मामले के 5 मुख्य आरोपी है। अब ये सोचिए, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि जांच रुक गया, नहीं, ये जो 5 मुख्य आरोपी हैं, ये जो अब उगलेंगे, इनसे जो मालूम चलेगा, जो नाम लेंगे, जिनको बताएंगे, जो ये खुलासा करेंगे, उन पर जांच चलेगी और अच्छा तरीका से चलना चाहिए, ताकि फिर से ऐसा कोई करने का हिम्मत न जुटा सके, मेरा यह मानना है। तो अब देखिएगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा, यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है, बीपीएससी तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के 5 मुख्य आरोपी, ये मुख्य आरोपी हैं, मुख्य आरोपी अब बताएंगे कि इनसे कौन कौन मिले, क्या बीपीएससी आयोग के भी लोग कुछ शामिल थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये लोग अब फिर से बताएंगे, फिर से जांच होगा। जांच अभी चल रहा है, विद्यार्थी को संतुष्ट होना चाहिए, विद्यार्थी को इस बात से समझना चाहिए कि भले 10 दिन लेट एग्जाम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जो डेट दिया गया है वो भले 5 दिन इधर उधर हो जाए, लेकिन आप तैयारी कीजिए, लेकिन ये भी सोचिए कि एग्जाम हो तो सही तरीका से हो, सही तरीके डायरेक्शन में हो। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी उज्जैन से गिरफ्तार कर रहे हैं, इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर बिहार ले जाया जा रहा है। इनसे पूछताछ में कई अहम बातें का खुलासा होने की संभावना है। यहां पे देखिएगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पे बताया जा रहा है मानवजीत सिंह ढिल्लो, डीआईजी ईओयू के। ढिल्लो जी, बहुत बहुत आपका
विद्यार्थी आजीवन आपका आभारी रहेंगे यदि आप इसमें जो बड़े बड़े मुर्गे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हो या बड़े अधिकारी हो या कोई हो, कहीं से संलिप्तता हो, उन लोगों को पकड़ लीजिए और हम गरीब जैसे आदमी को न्याय दिलाइए, इन स्टूडेंट को न्याय दिलाइए जिनके पास खाने तक का पैसा नहीं होता है, वह दाल भात चोखा खा के तैयारी करते हैं, लेकिन बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े घर वाले जो पहुंच रखते हैं, वो लोग पेपर लीक करा के अपना नौकरी ले लेते हैं। इन सारे चीज़ पर रोक लगना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, इन्होंने साफ तौर पर कहा। यहाँ पे देखिए एक लड़की पकड़ी गई है, यहाँ पे देखिएगा हजारीबाग से पकड़े गए 270 अभ्यर्थी बीपीएससी की तरफ से तीसरे चरण में 15 मार्च को किया गया था, इसका प्रमाण पत्र ये लोगों को मिला 15 सुबह 5 बजे से। अब देखिए ये 270 आदमी पकड़े गए थे, अभ्यर्थियों को बैठाकर प्रश्न पत्र हटाया जा रहा था। मामले की जांच के लिए यूएसपी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है, गठन किया गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, फिर से मैं बता दूं, शनिवार को सुबह सभी से उज्जैन स्थित होटल से लेकर इन लोगों को आया गया। यहां पे बताया जा रहा 22 अप्रैल को इन सभी को पटना में कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये सभी बिहार के अलग अलग जिला के रहने वाले हैं। सुरक्षा कारणों से जांच एजेंसी ने इसकी पहचान फिलहाल उजागर नहीं की। अच्छी बात है, यह पहुंचने के बाद इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्राप्त सूचना के अनुसार 5 अभियुक्त इस पेपर के मुख्य आरोपी है। अब देखिए पेपर कैसे लीक हुआ, खुलासा हो सकता है, राज खुलेगा। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में प्रश्न पत्र कहां से, कैसे, किसकी मदद से लीक हुई, किसकी पूरी जानकारी मिलेगी, यानी आयोग की भी संलिप्तता होगी तो ये लोग बता सकते हैं और जांच अभी चल सकता है। इस बात को समझ लें, कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप बस अस्वस्थ रहें, आप पढ़ाई करते रहें और आप अपना डिमांड जरूर करते रहें। इस वीडियो को जितना देखिएगा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अभी जो आपका है वह सरकार पर भी दबाव पड़े, प्रशासन पर भी दबाव पड़े, ताकि आप लोगों का सही तरीका से सही डायरेक्शन में जांच हो जाए। ये हो रहा है। पेपर लीक के मुख्य अभियुक्तों से सघन पूछताछ के महत्वपूर्ण बात जानकारी मिलेगी। बताया जा रहा है कि पेपर लीक होने के बाद सभी 5 महाकाल का दर्शन करने उज्जैन गए थे और वहीं से अपना पहचान बदल कर वहां रहने लगे थे, लेकिन जांच सुराग मिलने पर ओयूटी टीम वहां पहुंच गई। देखिए महाकाल का ये लोग दर्शन करने गए थे, अरे जब दिन बिगड़ जाएगा ना, जब आपका नसीब खराब होगा तो महाकाल भी नहीं बचाएंगे। आज जो आप काम किए हैं, जितना घिनौना काम किए हैं, उसको महाकाल कभी माफ नहीं कर सकते हैं। और हमें भी उम्मीद है कि जो पकड़ा गया है सभी से अच्छी पूछताछ की जाए और जो भी लोग इसमें शामिल हो, वो चाहे कहीं के हो, चाहे आयोग से कोई व्यक्ति हो या आयोग के बाहर से व्यक्ति हो या कहीं के कोई व्यक्ति हो या स्टूडेंट हो या लीडर हो या कुछ भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे से ये सब करने की उनको हिम्मत न जुटा सके। यदि आप एक बार, मैं फिर से कहूंगा, एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करें ताकि आपका चैनल है थोड़ा सा आगे सब्सक्राइब ज्यादा रहेगा तो किसी से प्रश्न पूछने में समस्या नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं छोटा चैनल है, फलना है, इन सारी चीज को लेकर आप लोग इसको थोड़ा सा अपने लोगों में शेयर भी करिए। जय हिंद।